हेलो गुड आफ्टरनून यूट्यूब फैमिली, और यूट्यूब चैनल सनमेक ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है आपकी अपनी मेघा। और आज शायद 8 दिन बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं ससुराल पे आई हूँ और गार्गी भी यहाँ पे खेल रहा है, टमाटर पकड़ रखा गार्गी ने। तो रूम प्रॉपर पूरा शिफ्ट हो गया है, हर चीज़ मैनेज हो गया है। अभी मैं घर गई तो शाम को दिखा दूँगी, वरना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी। और इतना दिन ब्लॉग नहीं आने का रीज़न मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे। बाकी अब से शायद कंटिन्यू ब्लॉग तो नहीं, एक दिन में दो दिन में छोड़ के ब्लॉग आएंगे। और क्या रीज़न है मैं ये आपको आगे बताती हूँ कि इतना दिन मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आए और अभी क्या क्या दिक्कत थी। फ़िलहाल अभी ससुराल आई हूँ, मतलब घर। अब मेरा जो रूम है, एक मिनट, क्या हो गया, जो है एक छोटा सा मिनी व्लॉग रहेगा। और अभी तक कोई व्लॉग नहीं आए थे मेरे इस चैनल में ना, खाली एक दो शॉर्ट वीडियो आई होंगी। तो फिलहाल अभी तो मेरा रूम और ये घर दोनों मतलब नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का मेरे रूम का रास्ता है और फिर मेरा यहाँ पे ससुराल है। आई मम्मी लोग, सास ससुर लोग नीचे हैं और छोटी वाली माँ है। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, शाम को पोस्ट करूंगी। अभी बना रहे हैं छुके हुए चावल और खाने के बाद शाम को कमरे पे निकलूंगी। तो बिना भूखे तो जाऊंगी नहीं, खा के ही जाऊंगी। हम बिना भूखे भेज देंगे तो मैं नहीं, मैं खा के ही जाऊंगी। रो रही है, प्याज काट रही है वो और रुला रही है तीनों को, चावल छुक रहा है ना, और मैं यहाँ पे खाना ठूस रही हूँ। ये लो, आज हम तीनों जने पूरे फ्रेम में आ गए हैं। कतई पकड़, अरे मुझे रुला दिया। ससुराल जा रही हूँ, निवाई के जा रही हूँ, निवाई के जा रही हूँ। ब्लॉग मेरे इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि घर शिफ्ट करना था, मतलब घर इधर उधर इधर उधर हो रहा था। चाहते क्या हो, रुलाना है कुछ भी रुलाना है, तुम दोनों को भी रुलाना है। वैसे आप चाहते हो, ऐसा रीजन नहीं है, कहीं आप लोग कमेंट करो ना, है लड़ रही है घर के। काट काट है, मैं तो जा रही मैं तो भाषा की बात करूंगी, रुला दी खाली खाली में। व्लॉग नहीं आने का रीज़न, पहले आप लोग मेरे एक दो व्लॉग जो है वहाँ रूम के हैं ना, तो वो आप देख लो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ रीज़न क्या था। बाकी बाबू कपड़े पूरे करो, पहनो स्लिप, पहनो गुड गर्ल, वैसे भी पहनो गुड। तो गार्गी एक बार देखो बेटा, गुग्गा देखो, गुग्गू हाय, बीटू मेरी रानी बेटी, आपको सब मिस कर रहे हैं। निकालो लिप्स निकालो, हाँ आपको सब मिस कर रहे हैं। पैर कैसे चलाती है, मिस कर रहे हैं सब आपको। बोलो पाई कर दो मेरे को, पाई 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 पाई। ओ नी 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 गुगा, आप बोलो 8 मंथ कंप्लीट करने वाली हूँ मैं कुछ दिनों में, मुझे बहुत सारी पाई भेजो। गुड आफ्टरनून यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक, माय वेलकम, क्या था, सीधी बात नो बकवास। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और आज सनमेक ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है मैं एक हफ्ते बाद, शायद 6 दिन बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और व्लॉग नहीं आने का रीज़न सबसे बड़ा ये बैठा है। बोलो हाय, बोलो हाय, बोलो, अरे स्माइल जो गुजू गुजू, हाँ गुड मॉर्निंग इस गुड आफ्टरनून वाली स्माइल। तो रीज़न ये इसलिए है क्योंकि हम इस रूम में जब से शिफ्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। और ये जब से इस रूम पे आई है इसने दूध पीना छोड़ दिया। अभी देखो कैसे देख रही है कि मैं इसकी शिकायत कर रही हूँ, मैं सबको शिकायत कर रही हूँ तुम्हारी, तुम दूध नहीं पीते हो ना, नहीं पीते हो ना,
गंदा बेबी। गर्मी की वजह से गार्गी ने दूध पीना बीच में बंद कर दिया था, बिल्कुल भी दूध नहीं पीना चाह रही थी, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही मांग रही थी। तो इस वजह से मुझे बहुत टेंशन हो गई थी और मैं गार्गी में ज़्यादा ध्यान दे रही थी। अभी बढ़ता बच्चा है और इस टाइम पे अगर खाना नहीं खाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। एक तो ये बैठती है और सरकती नहीं है, घुटने के बल नहीं चलती, 8 मंथ कंप्लीट होने वाला है, बस यही रीज़न था। दूसरा, मेरे पास यहाँ पे वाईफाई नहीं है तो मैंने किसी से भी वाईफाई शेयर कर रखा है, उसको रेंट दूंगी जब तक मेरा खुद का नहीं लगता। और घर की शिफ्टिंग, ये सब चीज़ की वजह से मैंने 1 हफ्ते का गैप लिया, और 6 दिन का गैप लिया। अब से व्लॉग आएंगे, आएंगे ना बेटा, आएंगे ना, मम्मा बनाएगा ना। हाँ, गार्गी ने स्माइल किया है। तो अभी यहाँ पे किचन इस तरीके से सेट हुआ है और बस अभी थोड़ा बहुत और करना है, वो धीरे धीरे करूँगी। तो आज अभी जा रहे हैं हम गार्गी के दादी घर। जब गार्गी ने दूध पीना छोड़ा था तो नज़र वज़र भी लगी थी गार्गी को, तो गार्गी के बुआ ने धोए कपड़े। अब हम जा रहे हैं, कहाँ गई, इधर छत में वो लेने, क्या पुदीना हो रहा है, आंटी ने बोला पुदीना तोड़ लो, क्योंकि आंटी की मतलब ये छत में कितना कबाड़ा हो रहा है, गर्म हो रहा है बल। तोड़ना तोड़ तो, ये पुदीना इतना ऐसा हो गया कि इसमें फूल भी आ गए हैं। हमने सुबह पानी डाला था यहाँ पे, तो आंटी बोली कि पुदीना खा लेना, तो मैं ससुराली लेके जाती हूँ घर पे। तोड़ रही है पुदीना, कुछ और मत तोड़ना, पुदीना ही तोड़ना, पुदीना ही है, पत्ते पत्ते तोड़ना। इतना बड़ा पुदीना हो गया कि उसमें फूल आने लग गए, तो इसलिए आंटी बोली कि तोड़ के चटनी वटनी बना लो। सिलबट्टा तो मेरे पास है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि घर में जाकर चटनी बना के लेके आऊँगी शाम को, और शायद आज उनकी नाइट भी हो सकती है, पॉसिबल नहीं है, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे नीम के पेड़ है, अब जैसे कोई दिक्कत विक्कत होगी बाल बाल में नीम लगाने के लिए। कितना अच्छा पेड़ है ना नीम का छत पे। गुना, ए गार्गी, कोक पार्टी? नहीं नहीं बेटू, वो नहीं पिएगा, फेंक देगा वो, देख हिला देगी सारी। यहाँ पे हो रही है हमारी कोक पार्टी थोड़ी सी। मिट्टू कर रही है अपने ट्यूशन का काम। ट्यूशन 3 बजे होता है, और कितना बज गया है, 4 बजे जाएंगी, 3:30 हो गए, 3 बजने वाला है मतलब। गार्गी, गुना, गार्गी, ठीक है चलना मेरे कमरे में ना, घर जाऊंगा। मुझे कोक के अलावा कुछ पसंद नहीं आता है, वो भी इन्होंने सिखा दिया कोक पीना। लाली ले लो अपनी कोक, थोड़ा सा टेस्ट मानेंगी नहीं, बस बस। गया भी ऐसे मुंह में कुछ भी नहीं गया, ये क्या कलरफुल पानी आई है, पार्टी चल रही है, कोक की पार्टी। मैंने भी मंगवाई वापस करके, वो देखो ले ना। लंच हो गया है और हम लोग फ्री हो गए अभी, तो मैं 1 घंटा सो भी गई थी। गार्गी यहाँ पे खेल रही है, तो मैं बता दूं कि मैंने जॉब, मैं अभी जो है फ़िलहाल जॉब सर्च कर रही थी, इंटरव्यू देने जा रही थी, बहुत जगह गई और अभी नई नई जगह है, किसी को पता नहीं है कि मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। किसी की प्राइवेसी, किसी का ऑफिस, ये सब चीज़ें दिखाना सही भी नहीं लगता ना, कि अदरवाइज़ बंदा क्या सोचे, मतलब जब तक उसको मेरे बारे में पूरा ना पता चले। तो फ़िलहाल मैं अभी जॉब के इंटरव्यू दे रही थी, क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है, और गार्गी का बर्थडे भी अब उस टाइम पर नज़दीक आ जाएगा, गार्गी 8 मंथ की चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड को अच्छे तरीके से सपोर्ट करने के लिए मैं जॉब कर रही हूँ। और अब इंटरव्यू देने में लगी हूँ, आज भी एक इंटरव्यू था मेरा, वहाँ गई थी मैं देने के लिए। तो फिलहाल इस वजह से मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर रही थी, और दूसरा, गार्गी भी बीच में जो है दूध पीना छोड़ दिया था, अब फिलहाल ठीक है, नज़र वज़र लग गई थी गार्गी को। बहुत जगह मैंने इंटरव्यू दिए, कॉलिंग के दिया, रिसेप्शन का दिया, सब जगह दे दिया है। नेक्स्ट मंथ से मैंने बोला है ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इस मंथ 30 तारीख को गार्गी के बाल उतरेंगे, जहाँ मुझे जाना पड़ेगा, मुझे मेरे ससुराल वालों को, पूरी फैमिली को जाना पड़ेगा गंगा जी, इटावा या फिर मतलब क्या बोलते हैं, कोई गाँव है बुलंदशहर, वहाँ जाना पड़ेगा, जो मेरे ससुरालियों का गाँव है, मतलब मेरा ससुराल है, मेरी सासू माँ का घर भी है, मायका भी, दोनों हैं, तो वहाँ ही बेटी के बाल उतरते हैं गंगा जी में। दशहरा पड़ रहा है 30 तारीख को, दशहरा, तो वो उसकी तैयारी भी चल रही है,
और दूसरा जॉब सबसे पहले मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मेरे को बहुत ज़्यादा नीड है जॉब की। यूट्यूब भी मेरा इतना खास नहीं चलता है, इतने अच्छे रिव्यू नहीं आते हैं कि मैं यूट्यूब के भरोसे रहूँ इतनी मेहनत करने के बाद भी, पर फिर भी मैं यूट्यूब पर भी कंटिन्यू रहूँगी और जॉब भी करूँगी, दोनों लाइफ को मैं बैलेंस करने की सोच रही हूँ। और उससे ज़्यादा ना मुझे मेरी बेटी के लिए इंटरव्यू जो है मेरे लगातार चल ही रहे हैं सब जगह, और देखो कहाँ से क्या जवाब आता है और कहाँ से जा सकती हूँ। वैसे तो मैं 30 तारीख तक स्किप ही करूँगी क्योंकि गार्गी को मतलब गार्गी के बाल उतरवाने हैं, मुंडन है, और 30 तारीख बहुत जल्दी नज़दीक है। बाकी मैं क्या बोलूँ, बाकी जो भी कंफर्म होगा जैसा भी होगा नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी आपको, और व्लॉग अब कंटिन्यू रहेंगे। अगर कंटिन्यू नहीं भी रहे तो दो दिन में आते रहेंगे। और अभी फ़िलहाल जितना भी मैंने ब्लॉग बनाए थे थोड़े थोड़े, वो मैंने सारे मिक्स करके इसमें ऐड कर रही हूँ और शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करना, प्यार करना। और आज भी शायद मैं घर पे रहूँगी क्योंकि मम्मी की तबीयत नीचे ख़राब है, तो ये बोल रहे ड्यूटी से फ़ोन आया कि आप घर पर ही रहो। तो यार प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। अगर शायद यूट्यूब से मेरे को 10-15 हज़ार रिव्यू हर वीडियो में आ रहे होते ना तो मैं जॉब नहीं करती। मैं सच में अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंस की प्रॉब्लम में चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मुझे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है।